इंडियन क्रिकेट टीम के लॉर्ड कहे जाने वाले क्रिकेटर जिसने किसी जमाने में लोगों के ताने तक सुने थे कि तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आज वह जाने जाते हैं ना ही सिर्फ अपनी धुएंधार बल्लेबाजी के कारण बल्कि वह अपनी बॉलिंग के कारण एक अहम कड़ी बन चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, जो है क्रिकेट के लॉर्ड के नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी से तो अधिकतर हम लोग वाकिफ हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर ये लोग नहीं जानते किस सिचुएशन का सामना करके शार्दुल यहाँ तक पहुंचे हैं। इस वीडियो में एक नजर डालेंगे शार्दुल की कहानी पर। शार्दुल ठाकुर का जन्म महाराष्ट्र के पालघर जिले में 16 अक्टूबर 1991 को हुआ। हमारे देश में अधिकतर बच्चे अपने बचपन में ज्यादातर क्रिकेट ही खेलते हैं, उसी प्रकार शार्दुल भी बचपन में खूब क्रिकेट खेला और देखा करते थे। शार्दुल के फादर पेशे से एक किसान थे। अपने बच्चे के क्रिकेट के इंटरेस्ट के कारण वह अपने पूरे परिवार के साथ पालघर छोड़कर बोर्ड से शिफ्ट हो गए, क्योंकि पालघर जिले में ऐसा कोई भी स्कूल मौजूद नहीं था जहां पर क्रिकेट फैसिलिटीज मुहैया कराई जाती थी। बोर्ड शहर में शिफ्ट होने के बाद शार्दुल ने एडमिशन लिया स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में। स्कूल में क्रिकेट खेलते खेलते शार्दुल ने अपनी गेम को खूब निखारा, बल्कि यहाँ तक अपने स्कूल की तरफ से खेलते हुए एक टूर्नामेंट के दौरान शार्दुल ने एक ही ओवर में 6 छक्के मारे थे 2006 में आशल ट्रॉफी में, जिसे करने वाले वे तीसरे बल्लेबाज बने। 10वीं क्लास में पढ़ाई के दौरान शार्दुल ने मुंबई में मौजूद क्रिकेट अकेडमी को ज्वाइन करा, जहां जाने के लिए उन्हें सुबह 4:30 बजे की लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। सुबह की ट्रेन पकड़ना शार्दुल का डेली रूटीन था। कई बार ट्रेन में ऐसे लोग भी मिलते थे जो रोजाना ट्रैवल करते थे अपनी नौकरी पेशे के कारण। कई बार वह लोग कहते थे, कोई इतनी दूर जाके थोड़ी प्रोफेशनली क्रिकेट खेल पाता है, तुम्हें खेती बाड़ी में अपने फादर की मदद करनी चाहिए, ना कि टाइम पास करने के लिए इतनी दूर जाना चाहिए। कोई भी इंसान कितना भी मेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन लोगों की कही हुई बात पर कुछ क्षण के लिए ही उनके बारे में सोचना जरूर है, जिनसे कभी कभी वह डिमोटिवेट भी हो जाता है। लेकिन शार्दुल ने इन बातों पर ध्यान देने से ज्यादा अपनी गेम पर ध्यान देना बेहतर समझा था। शार्दुल को उनकी हाइट यहाँ तक कि उनके वेट के लिए भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था कि उनकी हाइट एक फास्ट बॉलर बनने के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन लोकल टूर्नामेंट्स में उनकी जानदार परफॉर्मेंस के कारण शार्दुल सेलेक्ट करे गए थे रणजी ट्रॉफी के लिए 2012 में। शार्दुल ने अपना रणजी ट्रॉफी में डेब्यू राजस्थान के अगेंस्ट करा, लेकिन उनका डेब्यू मैच खासा अच्छा नहीं गया। शार्दुल 4 मैचेस के दौरान सिर्फ 4 ही विकेट ले पाए 82 रनों की एवरेज के साथ। लेकिन 2013-14 का रणजी सीजन शार्दुल का काफी शानदार रहा। 26 रनों की एवरेज के साथ 6 मैचेस के दौरान शार्दुल ने 27 विकेटें झटकी, जिसमें एक ही ओवर में शार्दुल ने 5 विकेटें अपने नाम करी। और वहीं अगले साल का रणजी सीजन भी शार्दुल का बहुत शानदार रहा। सीजन के दौरान शार्दुल ने 20 रनों की एवरेज के साथ 10 मैचों में 48 विकेटें झटकी। 2015-16 का रणजी सीजन भी शार्दुल का काफी शानदार रहा। सौराष्ट्र के अगेंस्ट 8 विकेटें लेने के कारण मुंबई ने अपना 41वां रणजी कप अपने नाम करा, जिसका श्रेय मुख्य तौर पर शार्दुल को ही जाता है। रणजी ट्रॉफी के शानदार प्रदर्शन के कारण ही शार्दुल 2015 के आईपीएल के दौरान पंजाब के द्वारा खरीदे गए थे अपने बेस प्राइस पर, लेकिन डेब्यू सीजन में उन्हें अपनी काबिलियत पेश करने के ज्यादा मौके नहीं मिल सके। शार्दुल ने अपना आईपीएल डेब्यू दिल्ली के अगेंस्ट करा था। 2015 और 16 में पंजाब टीम का हिस्सा बने रहने के बाद 2017 के आईपीएल सीजन में पुणे ने शार्दुल को अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया। पूरे सीजन में शार्दुल ने 12 मैचेस खेले और 11 विकेटें झटकी 28 रनों की औसतन पारी के साथ। फिर 2018 के आईपीएल सीजन के दौरान वह हिस्सा बने सीएसके का। 2018 के आईपीएल सीजन के दौरान शार्दुल ने 13 मैचेस में 26 रनों की औसत के साथ 16 विकेटें झटकी। 2021 के आईपीएल सीजन के दौरान शार्दुल सीएसके के लिए लीड विकेट टेकर साबित हुए। फाइनल मैच के दौरान शार्दुल ने 3 महत्वपूर्ण विकेटें ली और सीएसके के नाम ट्रॉफी करने में शार्दुल ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। शार्दुल ने अपना ओडीआई डेब्यू 2017 में करा था श्रीलंका के खिलाफ, इसमें शार्दुल ने 26 रनों की औसत पारी के साथ 1 विकेट अपने नाम करी थी एंड अपना T20 डेब्यू अगले साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए। शार्दुल ने 2018 में ही निडास ट्रॉफी में भी अपना डेब्यू करा था और श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलते हुए पूरा मैच इंडिया के फेवर में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसमें उनके करियर का बेस्ट रिकॉर्ड रहा था। 27 रनों पर 4 विकेटें और मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे।
शार्दुल का टेस्ट जब भी हुआ था अक्टूबर 2018 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए, लेकिन अपने टेस्ट डेब्यू के दौरान शार्दुल को सिर्फ 10 बॉलें डालने के ही मौके मिल सके क्योंकि वह इंजर्ड हो गए थे, जिसके कारण वह अपनी जगह ओडीआई यहां तक कि टी20 में भी खो बैठे थे। शार्दुल को अपनी चोट से रिकवर होने में काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और जब वापसी करी तो क्या शानदार वापसी करी। 2021 के ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान शार्दुल पहले 3 टेस्ट में तो उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन चौथे टेस्ट में शार्दुल ने ये साबित करके दिखाया क्यों उन्हें लॉर्ड कहा जाता है। वॉशिंगटन सुंदर के साथ 123 रनों की शानदार पारी खेली और पहले इनिंग्स में 87 रन बनाए और 7 विकेटें भी झटकी। अपने इसी प्रदर्शन को आगे जारी रखते हुए शार्दुल इंग्लैंड टूर में भी कमाल करते दिखे। पहले टेस्ट के दौरान तो शार्दुल इंजर्ड हो गए, लेकिन अपने प्रदर्शन का लोहा शार्दुल ने साबित करा चौथे टेस्ट मैच में, जिसकी पहली इनिंग्स में 57 रन बनाए 36 गेंदों में और सेकेंड इनिंग्स में 60 रन 72 बॉलों पर और 422 का टोटल खड़ा करा अपनी टीम के लिए। सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि बॉलिंग में भी साबित करा कि वह क्या चीज है। 3 महत्वपूर्ण विकेटें झटकने के बाद टीम को सफलता दिलाई। शार्दुल को लॉर्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता, चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग, शार्दुल ने अपने टैलेंट का लोहा पूरे देश के सामने साबित करा है। किसी जमाने में लोगों के ताने सुनने वाले शार्दुल आज युवा जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट से बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।